नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें जो स्टूडेंट प्रमोट हुए उनके लिए एक काफ़ी बड़ी अपडेट है, एक नया नोटिस है, साथ में हॉल टिकट की अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे, डेट शीट के ऊपर एक नई अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है ये 5 फरवरी 2021 नोटिस, जिसमें आप सेकंड पैरा पढ़ सकते हैं, द एक्सेप्टेड स्टूडेंट वो डू नॉट वांट टू बी प्रमोटेड, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रमोट तो हुए लेकिन प्रमोट होना नहीं चाहते, तो एज पर द गाइडलाइन गिवन इन द सेड नोटिफिकेशन वांट टू अपियर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं फरवरी मार्च में जो होने वाला है, मे अप्रोच द नियरेस्ट रीजनल सेंटर, वो रीजनल सेंटर में जाएं और वहां पर से हॉल टिकट अपना कलेक्ट कर ले, वहां पर कहें कि मुझे हॉल टिकट चाहिए तो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक, आप प्रमोट हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को दें, उसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च में जो होने वाला उसमें दें, तो आप रीजनल सेंटर जाइए और वहाँ पर से हॉल टिकट ले लीजिए। इन केस आर स्टूडेंट वो हैज़ नॉट सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म सो फार, और अगर किसी ने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो वो भी भर सकता है, मे सबमिट नाउ टू द रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर में जाकर जो भी फीस है उसको देकर, दूज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एग्जाम फॉर्म अलॉन्ग विद द फीस नीड नॉट पे एनीथिंग, यानी कि जो पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं उनको जाकर सिर्फ अपना हॉल टिकट कलेक्ट करना होगा, और जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है वो वहाँ जाके रीजनल सेंटर जाके एग्जाम फॉर्म भरे और अपना हॉल टिकट कलेक्ट कर ले। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोट किया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उन सब्जेक्ट में प्रमोट जिनमें किया गया है उनके आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो रीजनल सेंटर जाइए और वहाँ पर से अपना हॉल टिकट कलेक्ट कर दीजिए और एग्ज़ाम दीजिए जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि प्रमोशन फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, उनकी समस्या का हल हो गया है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इग्नू की तरफ से एक और डेट शीट रिलीज़ की गई है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप चेक कर सकते हैं, साथ में हॉल टिकट को भी चेक कर सकते हैं। इग्नू ने एक और नोटिस जारी किया है जिसमें डेट शीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले आप उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि नई डेट शीट में चेंज किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं, FST 01 जो 10 फरवरी को होने वाला था अब 19 फरवरी को होने वाला है, AMT 01 24 फरवरी को होने वाला था 19 फरवरी को अब होगा, CT 03 जो 10 फरवरी को होने वाला था अब 19 फरवरी को होगा, BECE 106 वो 10 फरवरी को होने वाला था 20 फरवरी को होगा, और CHE 09 जो 8 मार्च को होने वाला था अब 20 फरवरी को होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, नई डेट शीट जो आपकी है उनमें यही सब्जेक्ट को चेंज किया गया है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एक बार फिर से लेकर आ रहा है सभी SSC एस्पिरेंट्स के लिए ढेर सारी फ्री टेस्ट सीरीज देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ। इन टेस्ट सीरीज में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट्स को मिलेगा 1 महीने का फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर SSC एग्जाम। सेकेंड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 2000 का अमेजन वाउचर। थर्ड रैंक स्टूडेंट को मिलेगा 1000 का अमेजन वाउचर। 7 और 21 फरवरी को अभिनय शर्मा सर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए क्वांट्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वांट्स के कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। 8 फरवरी से प्रशांत धवन सर लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी प्लेज, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन करंट अफेयर्स ऑफ 4 SSC एग्जाम। 13 फरवरी को IB स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट की जाएगी ऑल इंडिया IB ACIO ग्रेड 2nd मॉक टेस्ट। इसमें IB के सब्जेक्ट्स पर होगा कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिससे आपकी IB परीक्षा की तैयारी को मिलेगी एक नई दिशा। 15 फरवरी से शुरू हो रही है इंग्लिश टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर 15 फरवरी से वापस आ रहा है प्रैक्टिस CYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें कवर किए जाएंगे क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GA, GS जैसे सब्जेक्ट्स का करंट ईयर्स के क्वेश्चंस।
अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड चौहान वीडियोस, इनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और इन टेस्ट सीरीज का लिंक मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो हॉल टिकट में भी अपडेट की गई है। आप अपना हॉल टिकट एक बार फिर से ज़रूर चेक करें और नया वाला जो हॉल टिकट है उसे ही डाउनलोड करके लेकर जाएं, उसका प्रिंट करें और एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेकर जाएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है तो इसलिए वजह से हॉल टिकट भी चेंज हुआ है, इसलिए आप हॉल टिकट को एक बार ज़रूर चेक करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो जिन्होंने भी सेप्टेम्बर के बाद अपना असाइनमेंट सबमिट किया है उनका रिजल्ट मार्च के बाद ही आएगा, इसलिए आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आपने सितंबर के बाद अपना असाइनमेंट सबमिट किया था तो आपका रिजल्ट मार्च के या मार्च के बाद आएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट फरवरी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं बल्कि जून 2021 में उनका एग्ज़ाम है तो वो अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। असाइनमेंट के डाउनलोड के सेक्शन में पहले ही आ चुके हैं, जो कि न्यू असाइनमेंट है आपको उनको बनाना है, तो इसलिए उन्हें बनाना आप शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर।